Hello my dear student, welcome to my channel Query Solver. I am your educator and today I am going to teach you adverb. Student, आज की जो हम क्लास लेने वाले हैं वो है आपकी, आज की क्लास है आपकी एडवर्ब. अगर हम बात करें स्टूडेंट के एडवर्ब मीन्स क्या होता है आपका क्रिया विशेषण. ये एडवर्ब का आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स. और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडवर्ब के बारे में. यह वह शब्द होता है जो स्टूडेंट आपके नाउन प्रोनाउन और आपके इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब एडजेक्टिव प्रपोजिशन कंजक्शन और आपके एडवर्ब की विशेषता या उसको मॉडिफाई करता है. स्टूडेंट पार्ट ऑफ स्पीच में स्टूडेंट आपके आठ पार्ट होते हैं, आपके नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन वर्ब एडजेक्टिव प्रपोजिशन कंजक्शन और आपका एडवर्ब. तो स्टूडेंट ये आपके नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर और आपका इंटरजेक्शन होता है, इन तीनों को छोड़ने के बाद इनकी आप ये क्वालिफाई करता है, उनको मॉडिफाई करता है या उनके बारे में उनको बताता है. यहाँ मैंने एग्जांपल दिए हैं कुछ, इनके द्वारा हम समझेंगे. यहाँ फर्स्ट एग्जांपल बताया गया स्टूडेंट, ही रन फास्ट. तो अभी मैंने क्या बताया है कि यह जो क्वालिफाई करता है यह है आपका ही रन फास्ट. तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट इसमें इसने किसके बारे में क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ बता रहा है ही रन फास्ट. तो यहाँ ये आपके वर्ब यानी रन है उसको, यानी आपके ये यहाँ पर आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके अर्थ में क्या है इसको स्टूडेंट इसको परिवर्तित कर रहा है. ठीक है, सेकंड एग्जांपल में बताया है कि देयर आर वेरी स्वीट एप्पल. तो यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट ये जो स्वीट है ये आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये इसको क्वालिफाई कर रहा है आपका वेरी. तो यहाँ हमने एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये एडवर्ब है स्टूडेंट. यहाँ ही स्पीक वेरी लाउडली. तो ये जो लाउडली वर्ड है स्टूडेंट ये आपका एडवर्ब ही है जो क्वालिफाई कर रहा है इसको, ही स्पीक वेरी लाउडली. यहाँ बताया गया डी एग्जांपल में ही वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड मी. तो ये जो क्लोज बिसाइड वह मेरे पास मेरे साइड में बिल्कुल बैठा है. तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये जो क्लोज वर्ड यूज़ किया गया ये बता रहा है आपको एडवर्ब एक फ्रेज के रूप में इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है. नेक्स्ट है सतीश हैड गॉन आउट जस्ट बिफोर वी कॉल्ड, यानी कि हमारे पहुंचने से पहले सतीश क्या जा चुका था. तो यहाँ ये बिफोर है ये आपका स्टूडेंट, तो ये बिफोर है ये स्टूडेंट आपका क्या है, ये हमारा यहाँ पर प्रपोजिशन लगाया गया है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है इसके बारे में बता रहे हमको. जब बताया कि जब स्टार्ट में एक सेंटेंस में अगर हम कोई भी मान लीजिए आपका एडवर्ब लगाते हैं तो वो स्टूडेंट पूरे आपके वाक्य को क्या करता है वो मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बता सकता है. जैसे पॉसिबली इट विल रेन, कि पॉसिबली यह उम्मीद है कि बरसात होगी. सर्टेनली अचानक सी इज राइट, ठीक है तो वो निश्चित ही क्या है सही है. तो यहाँ हमने देखा कि एडवर्ब क्या है वो किस किस को क्वालिफाई करता है और किस किस को क्वालिफाई नहीं करता है, यहाँ वर्ब को या एडजेक्टिव को, यहाँ आपका एडवर्ब है, यहाँ आपका एडवर्ब फ्रिजल है, यहाँ पर इसको प्रपोजिशन को क्वालिफाई किया है. ठीक है, यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है यानी कि एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के कितने टाइप्स होते हैं. जनरली स्टूडेंट इसके थ्री टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है आपका सिंपल एडवर्ब, इसमें क्या होता है ये वाक्य में कुछ शब्द होते हैं यानी आपका वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब फ्रेजेस है, इनको क्या करता है स्टूडेंट इनके बारे में इसको ये मॉडिफाई आपका करता है. सेकेंड होता है स्टूडेंट आपका रिलेटिव एडवर्ब. रिलेटिव मीन्स होता है संबंध कारक जो क्रिया विशेषण होते हैं ये शब्दों को संशोधित करते हैं यानी उसके अर्थ में क्या है डिफरेंट करते हैं उसको, कंप्लीट एक्शन के यह क्या करते हैं स्टूडेंट उसको रिलेशन बताता है. थर्ड होता है स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्न सूचक क्रिया विशेषण. ये क्या करते हैं स्टूडेंट आपके क्वेश्चन पुट अप करने का काम करते हैं यानी क्वेश्चन को आपस में कोई क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये इसके थ्री टाइप्स हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब. नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम सिंपल एडवर्ब की, कि सिंपल एडवर्ब में क्या क्या होता है. ठीक है, सिंपल एडवर्ब के स्टूडेंट बहुत सारे क्या है इसके द्वारा जो कार्य होते हैं यानी जो एक्शन होते हैं वो निम्न प्रकार से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से. और यहाँ बताया गया है कि सिंपल एडवर्ब के टाइप्स कितने होते हैं इस तरीके से. तो फर्स्ट स्टूडेंट आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ये क्या करते हैं स्टूडेंट ये कार्य के संपन्न होने के क्या है ये समय के बारे में बताते हैं. जैसे डेली, सिंस, यस्टरडे, सून, टुमारो. जैसे हम मैं बोलूं आई विल गो टू टुमारो तो यहाँ टुमारो वर्ड यूज़ किया तो ये समय की बात कर रहा है.
आई रीड न्यूज़पेपर डेली, तो यहाँ डेली क्या बता रहा है कि मैं कोई भी जो रूटीन है क्या स्टूडेंट वो एक टाइम पे कर रहा है, तो ये बता रहा है हमको एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये क्या करते हैं, ये कार्य बताता है स्टूडेंट आपको स्थान के बारे में बताता है कि स्थान किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है यहाँ, जैसे हेयर देयर एवरीवेयर इन वे अप, जैसे मैं बोलूँ कम ईयर, कम ईयर तो बोला क्या यहाँ आओ, यहाँ आओ मतलब क्या है वो एक आपकी किसी प्लेस की बात कर रहा है, यहाँ आओ गो देयर, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसली एंड नंबर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, बारंबारता, ठीक है। यह बताता कि कोई काम कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम आपके कुछ एडवर्ब होते हैं, फ्रीक्वेंटली है, अगेन है, ऑफन है, सेल्डम, वंस, ट्विस। जैसे मैं बोलूँ आई ईट फूड इन ए ट्विस्ट, तो यहाँ मैंने बोला कि मैं दिन में दो बार खाना खाता हूँ, तो यहाँ ट्विस्ट क्या आपका स्टूडेंट, ये बता रहा है हमको कोई भी काम हम दिन में कितनी बार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एड ऑफ मैनर मीन्स होता है ये कार के बारे में बताते हैं जो काम हुआ है वो किस ऑर्डर में हुआ है, उसका सीक्वेंस क्या है, वो किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो उसके ये किस प्रकार से उसको संपन्न करते हुए बताता है स्टूडेंट, तो इसमें हम फास्ट स्विफ्टली क्विकली इजली स्लोली लाउडली सो ब्रेवली, ठीक है। जैसे मैं कहूँ प्लीज डू इट फास्ट, इसको जल्दी करो, तो ये क्या बता रहा है कि कोई भी काम है वो जल्दी हुआ है, या मैं कहूँ प्लीज डू दिस वर्क स्लोली स्लोली, तो यहाँ आप क्या समझ सकते हैं स्टूडेंट, कोई भी मैनर बता रहा है काम किस तरीके से हो रहा है, किस ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, डिग्री आपको मैंने बताया छुआ स्टूडेंट, ये एडवर्ब की डिग्री को क्वालिफाई करता है, जैसे फुली है, रेदर है, परफेक्टली, प्रेटी, ऑलमोस्ट, वेरी, जैसे बोलो इट इज़ वेरी चार्मिंग सीनरी, तो यहाँ वेरी क्या बता रहा है कितना अच्छी ये सीनरी है, तो ये आपकी स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ डिग्री है यहाँ पे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेवेशन, तो यहाँ ये समझ सकते हो स्टूडेंट, ये बताता है मैं एक सकारात्मक और आपका एक नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपका पॉजिटिव है तो उसके लिए हम सर्टेनली हैं, श्योरली, डेफिनेटली, जैसे आई विल गो देयर डेफिनेटली, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं वहाँ पर अवश्य जाऊँ, तो यहाँ एक पॉजिटिव बात की जा रही है, एक सकारात्मक बात की जा रही है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाएगा। जबकि स्टूडेंट अगर हम नकारात्मक की बात करें जैसे, ठीक है, तो जैसे आई विल नेवर गो देयर, तो ये आपकी नेगेटिव की बात कर रहा है, डोंट डू इट, इसको मत करो, तो यहाँ आप समझ सकते हो तो ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेवेशन, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ बता दिया सर्टेनली, श्योरली और डेफिनेटली, ये आपके अफर्मेशन में आते हैं यानी पॉजिटिव में आते हैं, और नेवर और डोंट ये स्टूडेंट आपके नेगेवेशन में आते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, कारण। ये कोई भी जो हम एक्शन करते हैं स्टूडेंट, उसके हमें कॉज के बारे में बताएगा, उसके रीजन के बारे में बताएगा क्या रीजन है, तो उसके जो रीजन के लिए जो हम एडवर्ब यूज करते हैं वो होता है स्टूडेंट आपका देयर फोर है, हैंस है, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है स्टूडेंट आपका विरोधाभास, ठीक है, जैसे हाउएवर, तो ये आपके इसमें एडवर्ब आते हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ कंडीशन, कंडीशन मीन्स क्या होता है इसमें, स्थिति, शर्त, ठीक है, ये वाक्य में हमें बताते हैं शर्त को, तो शर्त के लिए हम कौन से एडवर्ब हैं जिनका यूज कर सकते हैं, आपका एड है, सॉरी हैड, और आपका इफ, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका 10 नंबर में एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये वाक्य के कार्य की एक हद को बताते हैं कि वो काम किस हद तक हो सकता है, ठीक है, जैसे सो फार, टिल नाउ, ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हो किस तरीके से मैंने इन एडवर्ब को आपको बताया कि मैनर फ्रीक्वेंसली है, मैनर है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, कॉन्ट्रैक्ट है, या वर्क है, एक्सटेंट है, तो यहाँ आप इस तरीके से इनको समझ सकते हो। यहाँ बताया गया कार्य का रूप और एक्शन को देख करके स्थिति में स्टूडेंट हम बता सकते हैं कि आपका या हम कौन सा एडवर्ब यूज कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं या एग्जाम्पल को देख करके, या एडवर्ब ऑफ मैनर है, या एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये आप वहाँ से समझ सकते हो। बात आती है स्टूडेंट आपकी सिंपल जो एडवर्ब होता है उसका यूज हम स्टूडेंट आपकी सिंपल सेंटेंस में यानी साधारण वाक्यों में करते हैं, और ऐसे एडवर्ब का यूज हम चाहे तो इसको शुरू में और आप हम मिडिल में या हम कहें लास्ट में कहीं भी इसका आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब्स यानी संबंध कारक क्रिया विशेषण, इसमें क्या होता है ये स्टूडेंट, ये इस तरह के एडवर्ब होते हैं, जैसे आपका इसमें आपका व्हाट है, वेयर, व्हाई, व्हेन,
हाउ, व्हाट एवर, व्हाट एवर, व्हेन एवर, व्हेन्स, ये जो एडवर्ब होते हैं स्टूडेंट ये एंटीसेंट को रेफियर करते हैं, यानी एंटीसेंट होता है स्टूडेंट मीन्स होता है बिच कम बिफोर, यानी जो पहले आता है उसके बारे में बात करते हैं। ये एडवर्ब्स आपके एंटीसेंट को रेफियर करते हैं, ये एंटीसेंट के साथ संबंध व्यक्त करते हैं स्टूडेंट्स, का रिलेशन बताते हैं आपका, ठीक है। यदि वाक्य में आपका एंटीसेंट नहीं है तो हम एडवर्ब को एक रिलेटिव एडवर्ब नहीं बोल सकते स्टूडेंट, इसी इसका आपको ध्यान रखना है बेहद, कि अगर आपका एंटीसेंट नहीं आया इनके साथ तो आप उसको रिलेटिव एडवर्ब नहीं बोल सकते हो। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे यहाँ बताया कि आई नो वेयर सी लिव्स, तो यहाँ बोल रहा है ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ ये जो एंटीसेंट यूज किया गया है वेयर, ये बता रहा है स्टूडेंट इसके बारे में, आई नो मैं जानता हूँ वेयर सी लिव, वो कहाँ पर रहती है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट दिस सॉरी द पॉइंट व्हाट यू से, तो ये जो आपका यूज किया गया है स्टूडेंट यहाँ पर व्हाट यूज किया गया है, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये इससे पहले आया जो एंटीसेंट इससे पहले आता है उसके बारे में हमको बताता है। आई रिमेंबर द हाउस वेयर ही लिव, तो ये जो वेयर यूज किया गया है स्टूडेंट ये बता रहा है आई रिमेंबर द हाउस, ठीक है, तो ये हमें बता रहा है अपने एंटीसेंट के बारे में। आई फॉरगेट द टाइम व्हेन द राजधानी एक्सप्रेस अराइव, तो ये बता रहा है किस टाइम की बात कर रहा है, एड ऑफ टाइम की बता रहा है, और यहाँ पर हमने वैन को यूज किया इसका एंटीसेंट के, यहाँ पर इसको आपके रिलेटिव, तो ये इसका क्या स्टूडेंट का संबंध बता रहा है। आई फॉरगेट द, मैं टाइम भूल गया था कि वेयर, वैन मीन्स कब राजधानी एक्सप्रेस आएगी, ठीक है। एंटीसेंट मीन्स होता है स्टूडेंट बिच कम बिफोर, यानी कि जो पहले आता है, ठीक है स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्न सूचक क्रिया विशेषण, ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये एडवर्ब क्या करते हैं, हम प्रश्न यानी क्वेश्चन पुट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका व्हेन है, कब, हाउ माने कैसे, व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, हाउस माने कितना, हाउ लॉन्ग माने कितना दूर, हाउ मैनी मीन्स कितने, ठीक है। तो ये हमसे केवल क्वेश्चन पुट ऑफ करते हैं, इनको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन टैग तो लगाना ही स्टूडेंट, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव बात कर रहे हैं यहाँ पर। वेयर आर यू, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ हमने क्वेश्चन टैग इस तरीके से, ये क्या बता रहा है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हेन डिड यू कम, वह कब आएगा, तो यहाँ आप देख सकते हो ये स्टूडेंट व्हेन है, व्हाट है, हाउ है, वेयर है ना, तो ये हमसे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आता है आपके एक यस एंड नो एडवर्ब्स, ठीक है, जो एडवर्ब यस या नो के रूप में व्यक्त की जाती हैं या स्पष्ट होती हैं उनको स्टूडेंट हम यस एंड नो एडवर्ब्स कहते हैं, ये आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में ही आते हैं। जैसे यहाँ बोला है डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, क्वेश्चन पुट अप किया, उसने बोला यस, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, यस में, ठीक है, तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, यस एंड नो एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर हैव यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके हो, ठीक है, तो यहाँ से बोला नो, तो यहाँ समझ सकते हैं स्टूडेंट ये आपके जो एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब आपके ये यस और नो एडवर्ब्स होते हैं स्टूडेंट। तो आज की क्लास थी यहीं पर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।